चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ पे बहुत दिक्कत है जी, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी। मुझे अब भी डीजल बालते हैं। बिजली मिल जाएगी तो यहाँ बैठे रहेंगे, तो फिर बच्चे मारे तो नहीं है यहाँ रहने पाएंगे। हमारे साथ आगे आगे सरदार लोग खड़े हो जाते हैं, इनको अपना ऐसा तंग करो। ये जो जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत कोई आके देखे तो जमीनी हकीकत में तो बहुत रात दिक्कत है। मीटर पे है दूरी पे। अच्छा, ये तो यहाँ से हमारे को यहाँ से नहीं लाइट मिल रही, कोई 2 किलो 4 किलोमीटर तो हो तो फिर तो क्या समस्या है। जब ये क्या केबल लगता है, 80-85 फुट केबल मीटर लगता है। कंपनी खड़ा है अपना पेट का गुजारा करेंगे, डीजल मोल लेंगे जी। ना कोई पंखा ना कुछ बिजली कुछ नहीं, हम तो बहुत तंग है। तो बच्चे किस तरीके से परेशान होते हैं, जैसे आप बता रहे कि लाइट नहीं है यहाँ पे, गर्मी है, बस अपना जिंदगी काट रहे, बीजने ले रहे, बीजने ले रहे, पन्नियों के पंखा हवा कर। अच्छा, हाथ वाले पंखे जो होते हैं। और जी बस डीजल बाल रहे अपना, बैठ कर रोटी टुकड़ा खा ले, मच्छरदानी में बैठ जा, हर चीज की परेशानी है। यहाँ बिजली की ज्यादा है दिक्कत, ये लाइन जा नहीं रही। लव धरो को जो हमें मिलते था हमने अपना तो हमारे को ये है जी, कम से कम 40-45 साल से हम यहाँ अपने डेरा लक्ष्मीपुरा चौसाना जदीद में रह रहे हैं। हमारे करीबन 40-45 डेरे हैं। तो जब से भी ये टाउन की लाइन चली है, हम जब से कोशिश कर रहे हैं भी हमारे डेरों पर भी, हमारे डेरों पर आती आती लाइन उन्होंने हटा के, अगर डेरों की कोई व्यवस्था नहीं है, डेरों पर लाइट नहीं देनी। और होर करीबन हमें चारों तरफ जितने भी डेरे हैं, हजारों के करीब डेरे हैं यहाँ, सरदारों के लगा लो और किसी के भी, जो भी जितनी जाती हैं, सभी डेरों पे सभी गाँव में लाइट टाउन की फुल चल रही है। गर्मी इसी वजह से मच्छर भी ज़्यादा है, मक्खी भी ज़्यादा है, तो हमें अब बहुत परेशानी है। जो बच्चे हैं गर्मी नहीं सहते, बच्चे रोज़ का क्लेश होता है हमारा भी, भाई यहाँ से निकलो, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, जंगल में कहाँ बैठ रहे हो, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। अब जब बिजली मिल जाएगी तो यहाँ बैठे रहेंगे, नहीं तो फिर बच्चे हमारे तो नहीं है यहाँ रहने पाएंगे। हम देख रहे हैं कि जिसके कारण सरकार हमारे साथ गलत रवैया बरत रही है। अगर भाई ये अपना हमारे साथ आगे आगे सरदार लोग खड़े हो जाते हैं, इनको अपना ऐसा तंग करो, जैसे पिछला कि आपने योगी सिंह ने कह भी दिया था, वो कहना करना करनी किसी और की और भरनी किसी और की। लो भाई आज से 30-40 साल पहले जो हुआ करता था कि भाई लैंप जला रहे हैं, लालटेन जला रहे हैं, वही जो कभी पुराने जमाने में था वही सुनारा, इतनी सुविधा होता हो भी यहाँ कुछ नहीं है जी। लेकिन तो स्कूल भी कोई लावा धोरा स्कूल ही नहीं है, सरकारी है अपना, इसी में ही चले जाओ बच्चे भी। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, नल के पानी की कोई नहीं है जी, बस यहाँ तो बस जंगल में अपना ही पड़े, बैटरी वैटरी लावा है, मोमबत्ती बाले है, यही है जी। हम मंत्रियों के पास भी गए, एमपी के पास भी गए, जिसके पास जाते हैं जो, तो
मंत्रियों के पास जाते हैं या के एमपी साहब के पास जाते हैं, एमपी साहब तो कहते हैं कि आप बिजली वालों के से पूरा उसका एस्टीमेट बनवा के लाओ, और बिजली वालों के पास आते हैं और वो कहते हैं उनकी निधि से हमें उनका लिया के दो। अब फिर हमारे जब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करी, हम नखलाऊ तक भी घूमे, अधिकारी को हमें अपना दरखास्त लिख के दे दी, वो पता नहीं कूड़ेदान में घेर देते हैं कि हमारे आगे पहुँचाते हैं। सरकार जो दावे कर रही, टीवी पर देख के हम बहुत खुश होते हैं, टीवी में तो इनका बहुत उद्घार थे, पर ये जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी हकीकत कोई आके देखे तो ज़मीनी हकीकत में तो बहुत रात दिन का अंतर है। काय मृत तवा तुम जा हर जीव करे सर्व धर्म जन तो भाई ता कर्ज का के करतरिया मेरे माधु जे सत्सु तुमने सो तरिया गुरु प्रसाद परम पर पाया सुखे का टरिया रहाओ जन पिता लो सुत बनता को न किसके तरिया सिर सिर और जिक संभाटा।